मैं भी डर गई। भाई स्क्रिप्ट है कहाँ? अगर फिल्म के राइटर्स को लगता है कि डालने से पिक्चर हॉरर फिल्म हो जाएगी, फिर तो ये पिक्चर बहुत डरावनी है ना। तो ये पहली बॉलीवुड पिक्चर है जो रिलीज हुई है लॉकडाउन के टाइम पे थिएटर्स में। अब ट्रेलर में हमें बताया जाता है दैट द मैजिक ऑफ सिनेमा रिटर्न्स। मैं खुद गई थी फर्स्ट डे फर्स्ट शो सुबह 9:30 बजे। उस दिन शिवरात्रि थी तो मैं पहले मंदिर गई और मैंने भगवान को प्रे किया कि प्लीज भगवान मुझे शक्ति दो ताकि मैं ये पूरी पिक्चर देख पाऊँ, और उन्होंने दे दी सिर्फ आपके लिए। ना इसमें मैजिक था और ना इसमें हॉरर था, तो सिर्फ एक बड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट। तो वीडियो एंड तक देखना बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्यों मेरा सिर फट रहा था जब ये पिक्चर खत्म हो गई थी। हाय, मेरा नाम सोहिनी उर्फ पांडा है और मैं यहाँ अपने चैनल की दुकान में एंटरटेनमेंट रिलेटेड हर एक कॉन्टेंट का कीमा बना के कोफ्ते बनाती हूँ। तो इस मूवी के ट्रेलर को देखने के बाद मेरे ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस हाई हो गए थे, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने स्त्री लाकर हमें दी थी। यूजुअली क्या होता है कि जब भी कोई हिट फिल्म आ जाती है जैसे कि स्त्री, तो हमें लगता है कि वही मेकर्स अच्छी फिल्में उसके बाद भी बनाएंगे। यही सोच के मैंने अपनी शो की बुकिंग करके गलती कर दी। तो रूही है कौन और हमें इसका थोपड़ा क्यों नहीं देखना चाहिए? पहले तो द स्टोरी इज बेस्ड ऑन अ छोटा शहर कॉल्ड एज भागलपुर, जहाँ पे दो लोकल रिपोर्टर्स है, भवरा प्लेड बाय राजकुमार राव एंड कठन्नी प्लेड बाय वरुण शर्मा। अब इस छोटे शहर में एक ट्रेडिशन है कॉल्ड एज पकड़ाई शादी। इस ट्रेडिशन के मुताबिक अगर एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है तो वो उससे जबरदस्ती शादी करता है बिना उस लड़की की इजाजत के। जी हाँ, दिस इज सपोज टू बी स्कैरी राइट, क्योंकि दिस इज अ मिक्स ऑफ रेप असॉल्ट एंड किडनैपिंग। बट उल्टा इस स्टोरी में इसको कॉमेडी एलिमेंट बना लेते हैं। एक लिटरली लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में ढकेल रहे हैं और पीछे बैकग्राउंड स्कोर में फनी कॉमेडी म्यूजिक चल रहा है। ये जोक था? था तो नहीं, आई लिटरली हैड गूज बम्स व्हेन आई वाज सीइंग दिस सीन। बाद में वी गेट टू सी दैट द रिपोर्टर्स की जो बॉस है वो उन्हें कहते हैं कि देखो हमारे पास दूल्हा रेडी है, तुम्हें सिर्फ किडनैप करना है जानवी कपूर को, हु प्लेज द कैरेक्टर ऑफ रूही फॉर पकड़ाई शादी। जब किडनैपिंग हो जाती है अचानक से शादी का प्लान कैंसिल हो जाता है और बॉस रिपोर्टर्स को कहते हैं कि तुम ना रूही को कहीं आराम करवाओ, रेस्ट करवाओ और एक हफ्ते बाद हम शादी करा लेंगे। तो इस बहाने से दे टेक रूही इन एन आइसोलेटेड प्लेस। अब इस स्टोरी में सो कॉल्ड हॉरर चालू हो जाता है। हमें ये पता चलता है कि इस इनोसेंट चेहरे के पीछे देयर इज अ चुड़ैल हु हैज पोजेस्ड द बॉडी ऑफ रूही। तो कभी हमें रूही देखने को मिल जाती है, तो कभी अफसा हु इज द चुड़ैल देखने को मिलती है। इस बहाने वी गेट टू सी सम सीन्स पिक्ड अप फ्रॉम हॉलीवुड पिक्चरें जो एक्चुअली डरावनी है, लाइक द हाउस ऑफ वैक्स, एनाबेल, द कंजोरिंग। देखो हम हॉरर पिक्चर क्यों देखते हैं? ताकि जब हम वो टब ऑफ पॉपकॉर्न खरीदे तो हम चीख के सारा पॉपकॉर्न गिरा दे, या सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ? फिर ये दो रिपोर्टर्स फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस बिचारी की बॉडी से चुड़ैल को निकाला जाए। यहाँ आई डू अग्री दैट द वीएफएक्स एंड द मेकअप मेक्स जानवी कपूर लुक हॉरिफिक, बस वही है। और क्लाइमेक्स में तो ऑब्वियसली बताऊंगी नहीं, क्या पता आपकी टीचर या बॉस आपको पनिशमेंट के नाम पे बोल दे जाओ जाके पिक्चर देखो। इस फिल्म की राइटिंग इतनी बकवास है ना, ऐसा लगता है जैसे कि जो सारे राइटर्स है वो दारू पीने के लिए एक शेडी बार में मिले होंगे अपने सो कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के लिए। राइटर्स पी के कहीं पड़े होंगे और नेक्स्ट डे हैंगओवर के बाद सोचा होगा अरे ये शिट स्क्रिप्ट तो लिखा नहीं, तो किसी ने बोला होगा टेंशन ना ले, तेरे बैग में स्क्रिप्ट पड़ा है ना स्त्री का, थीम वही रखेंगे, थोड़ा स्टोरी चेंज कर लेंगे, इधर उधर हा हा वाले डायलॉग डाल देंगे। शादी वाले घर पे नजर रहती है उसकी, इधर दूल्हे की आंख लगी उधर दुल्हन को जगह ले जाएगी वो। स्त्री में लड़कों को उठाया जाता है और यहाँ पे लड़कियों को उठाया जाता है। स्त्री हिट क्यों हुई थी? फॉर इट्स राइटिंग कॉन्सेप्ट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्टर्स। द बेस्ट सिमिलैरिटी बिटवीन स्त्री एंड रूही इज राजकुमार राव। भले ही बीच बीच में फिल्म थोड़ी खाली खाली फील होती है, लेकिन सारी हैवी लिफ्टिंग राजकुमार राव ने की है विथ हिज एक्टिंग परफॉर्मेंस। ही प्लेज द सेम काइंड हार्टेड बॉय, छोटे गांव का लड़का, लाइक हाउ ही डिड इन द मूवी स्त्री, जो इतनी जल्दी फीमेल कैरेक्टर से उसको प्यार हो जाता है। हियर ही फॉल्स इन लव विद द कैरेक्टर ऑफ रूही फॉर हर इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी। तो जब मैंने ट्रेलर देखा आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट जानवी इज एक्सपेरिमेंटिंग सो अर्ली इन हर एक्टिंग करियर। बट मूवी में यार सुना है तुमने कैलिफोर्निया से एक्टिंग सीखी है, क्या सीखा है? बट
पिक्चर में जब रूही चुड़ैल हो जाती है तो ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड दैट VFX है, मेकअप है, तो वहां से हेल्प मिल जाती है. आई लाइक दोज पार्ट्स. बट व्हेन जानवी इज रूही बहुत कम डायलॉग्स है. अच्छा चलो कम डायलॉग्स है, कम से कम वो तो ठीक से बोल लेती. ब्लैंक एक्सप्रेशंस एंड अ फ्रोजन लुक, जैसे कि तुम अभी अभी फ्रीजर से बाहर आई हो. अच्छा फिल्म की जिसने भी मार्केटिंग की है बहुत शाना है. उन्हें पता था कि फिल्म फ्लॉप होने वाली है तो मूवी की शुरुआत में ये गाना डाल दिया कि प्लीज देखो. ओरिजिनल वाला तो शाम और सबको पता ही है. दिस इज द सॉन्ग विच आई लिसन टू व्हाइल आई एम जॉगिंग. इसमें तो फीमेल डोमिनेंस है बट नथिंग बीट्स द ओरिजिनल. चलो ये गाना दिखा दिया, फिर कुछ कमर्शियल एड्स दिखाए और फिर भेड़िया का टीजर और फिर पिक्चर स्टार्ट हो गई. फिर जब मूवी खत्म होने वाली थी तो डायरेक्टर बोलना चाह रहा था कि देखो हमारे पास तो क्रोसिन है नहीं आपके सिर हेडेक के लिए, बट प्लीज ये गाना सुन के जाना और हमें माफ कर देना. से द टाइमिंग ऑफ द सॉन्ग्स लाइक अंगूरी भाभी वुड से सही पकड़े हैं. जे बात, पूरी पिक्चर में राजकुमार वॉज द सेवियर टू बी ऑनेस्ट. यार देखो इस पिक्चर का स्ट्रीमिंग पार्टनर नेटफ्लिक्स है, सो प्लीज डोंट रिस्क योर लाइफ बाय विजिटिंग द थिएटर्स दिस लॉकडाउन. OTT पे आ जाएगी. हॉल में 6-7 लोग थे और मूवी के एंड तक मुश्किल से 2-3 मुझे मिला के. यार मैंने अपने छोटे भाई को इतनी सुबह सुबह उठा दिया कि चलो हमें ये पिक्चर देखनी है. वो अब तक मुझे ताने सुना रहा है कि हाय दीदी क्या दिखाया आपने, खामखा नींद आराम कर दिया आपने. तो आज के लिए इतना ही. दैट वॉज माई ब्रेक डाउन. आपको मुझे कॉमेंट्स में बताना है कि क्या आपने ये पिक्चर देखा कि नहीं. टिल देन माई डियर जनता, डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट घंटा सो दैट यू नो व्हेन आई एम नेक्स्ट ऑनलाइन ऑन YouTube. बाय.